हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं मसालेदार लच्छा पराठा, वो भी गेहूं के आटे से। सिंपल तरीका से मैंने बताया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आटा गूंथ के पहले ही से रख लिया था। और फिर एक पतली सी हम रोटी बेलेंगे, इसको इस तरीका से गोल शेप में। ये देखिए मैंने बेल लिया है। फिर इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। और रिफाइंड ऑयल को चारों तरफ रोटी में फैला देंगे। और फिर मैंने एक चुटकी नमक डाली है और एक चुटकी हल्दी पाउडर डाले हैं। फिर एक चुटकी मैंने धनिया पाउडर इसमें डाली है, एक चुटकी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है और एक चुटकी ही मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है। और सारे मसाले को डाल के इसे अच्छी तरीक़े से इसमें फैला देंगे। और फिर इसको इस तरीक़े से इसका रोल बना लेंगे, ये देखिए। और इसे ऐसे करके इससे भी पतली, बहुत पतली रोल बना लेंगे। और ऐसे घुमा घुमा के इसे इसके कोने पे थोड़ा सा ऐसे चिपका देंगे। और इसमें आटे डाल के इसका फिर हम एक रोटी फिर बना लेंगे। ये देखिए मैंने रोटी को बेल लिया है। और फिर तवा को गर्म कर देंगे। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उस पर रोटी को डाल देंगे और इसे पलट के एक तरफ से सेंक लेंगे। फिर इधर से भी मेरा सेक चुका है। फिर इसमें रिफाइंड ऑयल डालें या आप घी डालें या बटर डालें। और डाल के मैंने यहाँ पे रिफाइंड डाली है। और फिर इसे उलट पलट के इसे सेक लेंगे। तो एक रोटी मेरा बनके तैयार हो गया। फिर दूसरे को भी उसी तरीक़े से उलट पलट के इसे सेक लेंगे। और सारे रोटी को मैंने इसी तरह सेक लिया है। तो ये देखिए हमारा मसालेदार लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। और कैसा लगा हमारा मसालेदार लच्छा पराठा की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।